स्टूडेंट्स, आप जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जो इस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज के इस लेक्चर में कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इट इज द सेकंड लेक्चर फॉर दिस चैप्टर दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। इस टॉपिक के लिए सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कुछ दो तीन एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स इसमें आस्क करने वाले एग्जामिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज इफ एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस टू इज इक्वल टू फाइव कॉमा टू, वी हैव हियर ऑर्डर्ड पेयर इन लेफ्ट साइड एंड अनदर ऑर्डर्ड पेयर इन राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, then the value of x and y, we have to find value of x and y. Dear student, if we have two ordered pairs say x comma y which is equal to say AB, then necessary by the definition of equal ordered pairs x must be equal to A and y must be equal to B, तब जाके ये दो ordered pairs हमें equal मिलेंगे। यही कंसेप्ट हमें यहां पे यूज करना है। वी हैव एक्स माइनस वन कमा वाई माइनस टू इज इक्वल टू फाइव टू, दिस मीन्स दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स वी हैव गिवन दीज आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। इफ दीज आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स देन बाय दिस डेफिनेशन ऑफ इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू फाइव and y minus 2 must be equal to y minus 2 must be equal to 2. ये चीजें हमें होनी चाहिए। It is by definition of equal ordered pairs. It is most important for your examination. We have x is now equal to that is 5, ये जब right side में जाएगी it becomes plus 1 that is equal to 6. इसी तरह यहाँ से y minus 2 right side में जाएगी that is 2 plus 2 which is equal to 4. That is x का वैल्यू 6 होगा। यहां पे अगर हम देखेंगे x का वैल्यू 4 4 2, तब जाके ना ही ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ना ही ये, विच मीन्स नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और इफ यू हैव वन ऑप्शन इन दिस ऑब्जेक्टिव इज 6 4, अगर हमारे पास इस तरह इसका ऑप्शन एक और होगा तब जाके 6 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड जो है सेकंड ऑब्जेक्टिव विच वी डिस्कस इन दिस लेक्चर, इफ आर आर मीन्स वी हैव अ रिलेशन विच इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच इज इन रिलेशन इज एक्स एंड सेकंड कंपोनेंट which is x plus 5, x belongs to x is member of 0, 1, 2, 3, 4, 5, then domain of relation, इस relation का जो ये relation आपके पास है, इसका domain कौन सा set है, नीचे sets आपके पास available है, एक set है 0, 1, 2, 3, 4, दूसरा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तीसरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे डोमेन ऑफ रिलेशन, यहां पे जैसा भी आपके पास रिलेशन होगा और आपके पास गिवन सेट होगा, डियर स्टूडेंट जो आपके पास ये सेट गिवन होगा यहां पे एक्स के जो वैल्यूज होंगे दैट सेट इज डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन। इस रिलेशन का डोमेन हमारे पास तब जाके यही सेट है 0 1 2 3 4 5, इट इज क्लियरली सेकंड ऑप्शन बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सब्जेक्ट। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव विच वी डिस्कस इन दिस लेक्चर, क्वेश्चन इज हियर सेम, क्वेश्चन यही हम रख लेंगे, यही हम यहां से होके यहां तक हम सेम रख लेंगे। इफ आर इज इक्वल टू दिस एक्स बिलोंग्स टू दिस देन एडिशनल कंडीशन देन रेंज ऑफ आर, हमें अब रेंज बताना है, रेंज सेट कौन सा है, चाहे 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 से 0 1 2 3 4 आर
None of these. इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Dear students, ये भी important है for your examination. Simply you find these values, x plus 5 के values आप देख लीजिए. By taking x is equal to 0, x equal to 1, 2, 3, 4, 5. जब हम x का value 0 देंगे, we will get यहां पे ये जो x plus 5 आपके पास, x plus 5, इसका value आपको ढूंढना है. For each value of this, 0, 1, 2, 3, 4, 5. जब 0 देंगे, we will get 0 plus 5, that is equal to 5. जब 1 देंगे, we will get 1 plus 5, which is equal to 6. जब 2 देंगे, which we get 2 plus 5, it is equal to 7. And so on, जब आप 5 देंगे, plus 5, which is equal to 10. Clearly, when we see 5, 6, 7, 8, 9, 10, this means B part is the correct option for this question. Dear sir, इस तरह ये जो तीन objectives आप आज हमने discuss किए, most important is first and third one. Dear students, इससे पहले कि इस वीडियो का इख्तिताम कर ले, dear students, इंशाल्लाह next वीडियो में कुछ और important objectives discuss करने वाले हैं. Dear students, now we conclude this lecture. Dear students, subscribe my channel ताकि आने वाली हर next notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके. Thank you, have a nice day.